शुभ कर्म का फल। शुभ कर्म करना मतलब प्रभु प्रसन्नता का, उनके आशीर्वाद का बीज बो देना है। जब तुम्हारे जीवन में संघर्ष की घड़ी होगी, उस समय परमात्मा सत्ता अवश्य पॉजिटिव फल देंगे। साथ ही बुरे कर्मों से अपने आप को बचा कर भी रखो, क्योंकि बबूल के छोटे पौधे जब छोटे होते हैं तो कांटे उसके चुभते नहीं, लेकिन बड़े हो जाने पर नुकीले विषैले हो जाते हैं और बबूल का कांटा चुभता है, जो बहुत दिनों तक दर्द देता रहता है। वैसे ही बुरे कर्म करने पर प्रारंभ में तो मज़ा आता है, अच्छा लगता है, लगता है हम बहुत चतुर हैं, परंतु समय पाकर उसके परिणाम बहुत ही दुखदायी होते हैं। इसलिए बुरे कर्मों से अपने आप की रक्षा करनी चाहिए और जहाँ तक संभव हो भला कार्य करते रहना चाहिए, शुभ कार्य करते रहना चाहिए। कोई शुभ कर्म करता है तो ऐसा समझो कि वो आम का बीज बो रहा है। जैसे आम के बीज से आम जरूर ही निकलता है, आम का पेड़ लगता है, वैसे किया हुआ शुभ कर्म तत्काल नहीं दिखता, परंतु शुभ कर्म का बीज बोया गया है तो समय पाकर अवश्य फल लगेंगे। धन्यवाद।